Today we will start with the exercise 9.1. List 5 rational numbers between minus 1 and 0. याद है कैसे rational numbers find करना मैंने सिखाया था? हाँ जी बताइए. धैर्य, याद है आपको? Ma'am, I was not in the class. Okay. Yes. Viraj. ओके चलो एक पार्ट मैं बताती हूँ. देयर आर टू वेज टू फाइंड द रैशनल नंबर. वन इज कि आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करो. मान लो दिस इज द रैशनल नंबर ए, दिस इज द रैशनल नंबर बी. ये मेथड मैंने अभी आपको सिखाया नहीं है. तो इन दोनों को ऐड करो डिवाइडेड बाय टू. ठीक है, इस मेथड से हम रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं. बट इज द अदर वे, मुझे 5 रैशनल नंबर का है, 5 में 1 ऐड करो 6. तो आप गिवन नंबर को 6 से आपने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया. तो माइनस 6 अपॉन 6, 0 को भी 6 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, 0 अपॉन 6. अब माइनस 6 और 0 में 5 रैशनल नंबर आ जाएंगे, यस और नो? माइनस 5 बाय 6, माइनस 4 बाय 6, माइनस 3 बाय 6, माइनस 2 बाय 6, माइनस 1 बाय 6. तो दीज आर 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन माइनस 1 एंड 0. लास्ट में आप जो गिवन टर्म्स है माइनस 1 एंड 0 लिख दो और मिडल में ये सारे नंबर दोबारा आ जाएंगे. माइनस 5 बाय 6, माइनस 4 बाय 6, इसको कैंसिल करके भी लिख सकते हो, माइनस 2 बाय 3, माइनस 3 बाय 6, माइनस 2 बाय 6, माइनस 1 बाय 6. तो मैं आपको दूसरा मेथड बता रही हूँ, वो हम 8th क्लास में उसे यूज करेंगे. तो एक बार उससे भी बता देती हूँ कैसे फाइंड करेंगे. जैसे मेरे पास है माइनस 1 एंड 0, दोनों को ऐड किया डिवाइडेड बाय 2. तो माइनस 1 बाय 2 इज द वन रैशनल नंबर बिटवीन माइनस 1 एंड 0. लेकिन मुझे तो 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं. अब इसी फॉर्मूले से इन दो के बीच में फाइंड करूंगी और इन दो के बीच में एक रैशनल नंबर फाइंड करूंगी. माइनस 1 प्लस 1 बाय 2 डिवाइडेड बाय. तो ये मेथड अभी मैं आपको नहीं करवा रही हूँ. मैंने वैसे बताया, आई डोंट नो कि आपके स्कूल की मैम कौन से मेथड से करवाती है. तो अभी हम क्लास 7th में यही मेथड करते हैं, इसे हम क्लास 8th में करेंगे. ठीक है, तो इसी तरह कंटिन्यूशन में चलता रहेगा और वी कैन फाइंड अनलिमिटेड रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स. तो ये वाला मेथड अभी मैं हटा देती हूँ, इसे हम 8th क्लास में. चलिए लेट अस मूव टू द सेकंड पार्ट. 1 by 1 सभी आप लोग ही सॉल्व करोगे. यस विराट, आप करोगे थर्ड पार्ट एंड धैर्य आप सेकंड पार्ट करो, विराज आप फोर्थ पार्ट करो एंड गिव मी द आंसर. माइनस 2 एंड माइनस 1, धैर्य यू विल हैव टू फाइंड द 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन माइनस 2 एंड माइनस 1. अपनी अपनी नोटबुक में सारे करेंगे, कोई भी ऑरली नहीं करेगा. माइनस 4 बाय 5, माइनस 2 बाय 3, इसके बीच में 5 रैशनल नंबर्स. लास्ट पार्ट इज माइनस 1 बाय 2 एंड 2 बाय 3, माइनस 1 बाय 2 एंड 2 बाय 3, इसके बीच में 5 रैशनल. चलिए धैर्य जिस जिसका हो जाए मुझे बताता जाएगा. विराट यू विल डू सेकंड पार्ट, सॉरी थर्ड पार्ट, धैर्य विल डू सेकंड पार्ट. जस्ट अ मिनट. माइनस 2 एंड माइनस 1, आई थिंक दैट वी चेक वंस अगेन. यस एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी धैर्य बताइए बच्चा. मैम हम जब कन्वर्ट कर रहे हैं तो मैम इसमें मैम आपने पहले पार्ट पे 6 कैसे करा मैम आपने मल्टीप्लाई? मुझे 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं ना, मैंने 5 में 1 ऐड कर दिया तो 6 से कर दिया. माइनस 12 बाय 6, ठीक है, और दूसरा आया माइनस 1 को भी सेम नंबर से करना है दोनों तरफ ताकि डिनोमिनेटर सेम रहे.
ठीक है। नाउ माइनस ट्वेल्व और माइनस सिक्स में देखो पांच रैशनल नंबर आते हैं। अगर मान लो कोई ऐसा केस आता है कि उसमें पांच रैशनल नंबर नहीं आते, तो आप नेक्स्ट जो ये टर्म आई है इसे किसी और नंबर से फिर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। मान लो फिर मैंने आगे इसको टू से दोबारा कर दिया मल्टीप्लाई, फिर आगे थ्री से कर दिया, जब फोर से कर दिया, जब टेन से कर दिया, वट एवर नंबर आई वॉन्ट, उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों होगा। अब माइनस ट्वेल्व और माइनस सिक्स में अगर पांच नंबर आ जाते हैं तो इट्स ओके। माइनस इलेवन, माइनस टेन, माइनस नाइन, माइनस एट, माइनस सेवन, पांच हो गए रैशनल नंबर। टेन माइनस सिक्स इज देयर, तो वन टू थ्री फोर फाइव रैशनल नंबर मेरे पास आ जाएंगे। माइनस इलेवन बाय सिक्स, माइनस टेन बाय सिक्स, माइनस नाइन बाय सिक्स, सो दीज आर बिटवीन माइनस टू एंड माइनस वन। आप चाहो तो इन्हें कट करके भी लिख सकते हो, टू फाइव जार टेन, टू थ्री जार सिक्स, थ्री थ्री जार नाइन, थ्री टू जार सिक्स, टू फोर जार एट, टू थ्री जार सिक्स, माइनस सेवन बाय सिक्स, माइनस। तो दीज आर फाइव रैशनल नंबर्स बिटवीन माइनस टू एंड माइनस वन। क्लियर थेरियो, सभी को क्लियर है? यस मैम। विराट थर्ड पार्ट आपने करना है। जब मेरे पास यहाँ पे, तो देखो मेरे पास इंटीजर्स थे, यहाँ पे ऑलरेडी रैशनल नंबर ही है, इंटीजर्स आर आल्सो अ रैशनल नंबर, क्योंकि मैं इसके अपॉन वन लिखूंगी, सो दिस इज अ रैशनल नंबर। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों टर्म्स का सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा बाय चेकिंग एलसीएम। फाइव एंड थ्री दोनों अलग अलग टेबल पे जाते हैं, तो इसको मैंने कर दिया थ्री से मल्टीप्लाई, माइनस ट्वेल्व अपॉन फिफ्टीन, और इसको कर दिया फाइव। अब यहाँ पे देखो धैर्य, उस दिन आप नहीं थे, यहाँ पे माइनस ट्वेल्व और माइनस टेन में सिर्फ एक ही रैशनल नंबर आता है, माइनस इलेवन बाय फिफ्टीन, लेकिन मुझे तो पांच रैशनल नंबर चाहिए, एक नहीं चाहिए, तो मैं इस नंबर को किसी भी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। मान लो मैंने इसे फोर से कर दिया, मेरी मर्जी है, जिससे भी करूंगी उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा ताकि नंबर जो ओरिजिनल नंबर है वो सेम रहे। सो माइनस 48 अपॉन 60, और यहाँ भी सेम से करना है क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर शुड बी सेम, माइनस 40 अपॉन 60। नाउ माइनस 48 एंड माइनस 40 में पांच रैशनल नंबर मुझे इजीली मिल जाएंगे, तो माइनस 47 बाय 60, माइनस 46 बाय 60, माइनस 45 बाय 60, माइनस 44 बाय 60। मुझे पांच चाहिए तो मुझे पांच ही लिखने हैं, तो फाइव रैशनल नंबर्स आर देयर, दीज आर फाइव रैशनल। तो गिवन नंबर क्या था ओरिजिनल, माइनस फोर बाय फाइव एंड माइनस बाय थ्री, सो दीज आर फाइव रैशनल नंबर्स बिटवीन माइनस फोर बाय फाइव एंड माइनस बाय थ्री। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। यस एनी वन ऑफ यू? नो मैम। ओके, ये फाइव से कैंसिल हो जाएगा, इसे आप फाइव से कैंसिल कर सकते हो। अगेन थ्री से भी हो रहा है, फिफ्टीन से ही हो जाएगा, थ्री बाय फोर। तो दीज आर फाइव रैशनल नंबर, इजी है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, विराज ने अपने आंसर्स भेज दिए हैं नेक्स्ट पार्ट के। माइनस वन बाय टू बाय थ्री सभी ट्राई करेंगे, किसी को कोई डाउट है एकम आप ट्राई करेंगे, फोर्थ पार्ट फाइव रैशनल नंबर्स फाइंड कीजिए एकम। यस मैम। ओके मैम। डिनोमिनेटर सेम बनाइए। यस मैम। डिनोमिनेटर सेम बनाइए। ओके मैम। मैम द आंसर। ओके, अब पहले देखो माइनस थ्री और फोर में क्या मुझे पांच रैशनल नंबर मिलते हैं, नहीं मिलते तो फिर से मुझे इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन,
टू थ्री, कितने आ गए, वन टू थ्री सिक्स आ गए. ओके तो आई हैव फाइव रैशनल नंबर्स, तो मुझे दोबारा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, सबसे इजी वे, जितने रैशनल नंबर कहा है एड वन और उसके बाद आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो. किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है. सो दीज आर द सिक्स रैशनल नंबर्स, फाइव फाइंड करने थे, यू कैन राइट एनी फाइव रैशनल नंबर. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? किसी को कोई डाउट है फर्स्ट क्वेश्चन में, यू कैन आस्क. मैं एक बार दोबारा से दिखा देती हूँ, एक बार दोबारा समझा रही हूँ, ध्यान से समझो. पहला जो क्वेश्चन है उसमें मेरे पास एक इंटीजर है, एक होल नंबर है. जीरो इज एन होल नंबर, जीरो इज अ होल नंबर, माइनस वन इज इंटीजर. एंड वी नो ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर, जीरो इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर. तो यहाँ पे मुझे फाइव रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो फाइव में मैंने वन ऐड किया सिक्स, तो इस गिवन नंबर को सिक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड. अब मैंने देखा माइनस सिक्स और जीरो के बीच में क्या मेरे पास पांच रैशनल नंबर मिल, तो मिल रहे हैं तो इट्स ओ. अगर नहीं मिल रहे तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हमने थर्ड पार्ट में किया था. अगले में भी, सेकंड पार्ट में भी हमने सिक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, फाइव रैशनल नंबर्स मिल गए. अब जब मैंने इसका एलसीएम लेके डिनोमिनेटर्स को सेम किया तो माइनस ट्वेल्व और माइनस टेन में एक ही रैशनल नंबर आ रहा है, That is minus 11 by 15. लेकिन मुझे तो पांच रैशनल नंबर चाहिए, तो जो ये रैशनल नंबर आए इसको हम अगेन किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें. फोर से करो, फाइव से करो, टेन से करो, हंड्रेड से करो, थाउजेंड से करो, मर्जी आपकी है. तो मैंने फोर से कर दिया, क्योंकि जिससे भी करोगे आपको अगेन चेक करना पड़ेगा कि दोनों में जितने मुझे रैशनल नंबर चाहिए उतने मिल रहे हैं. अब माइनस 48 और माइनस 40 में फाइव रैशनल नंबर्स मुझे मिल रहे हैं, तो मुझे दोबारा से इसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं. क्लियर? नाउ नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, उसमें भी डायरेक्टली वन इज नेगेटिव नंबर एंड अदर इज पॉजिटिव, उन दोनों में पांच रैशनल नंबर मुझे मिल रहे हैं, तो वी कैन इजली फाइंड. चले नेक्स्ट पे. फर्स्ट पार्ट, एकम फर्स्ट पार्ट में क्या है बच्चा, दैट इज सो इजी. मुझे पांच रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, फाइव प्लस वन इज सिक्स, तो मैंने गिवन नंबर्स को सिक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया. माइनस सिक्स बाय सिक्स, जीरो बाय सिक्स, माइनस सिक्स और जीरो में पांच नंबर मिल रहे हैं, माइनस फाइव, माइनस फोर, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, तो फाइव रैशनल नंबर्स आर देयर. तो माइनस वन एंड जीरो में आई गॉट द फाइव रैशनल नंबर्स. आप इसको लास्ट में कैंसिल करके दूसरी फॉर्म में भी आंसर लिख सकते हो, इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म, माइनस टू बाय थ्री, माइनस वन बाय टू एंड माइनस वन बाय थ्री, लाइक दिस. ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं. राइट फॉर मोर रैशनल नंबर्स, हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सीखा था फ्रैक्शन के चैप्टर में, और मैंने रैशनल नंबर में भी कहा था सेम लाइक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जैसे फाइंड करते थे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड करेंगे. ओके फर्स्ट पार्ट, एक हम यू विल डू फर्स्ट पार्ट, फोर मोर रैशनल नंबर्स. एक हम टेल मी फोर मोर रैशनल नंबर्स फॉर द फर्स्ट पार्ट. जैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड करते थे सेम वे से फोर मोर रैशनल नंबर्स लिखेंगे. इंट्रो में किया था हमने, यस मैम. बताइए मैम, फर्स्ट वी विल मेक देम, सॉरी मैम, फर्स्ट वी विल, मैम फर्स्ट वी विल मेक द डिनोमिनेटर सेम. नो नो नो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बच्चा कैसे करते हैं. अगर मुझे माइनस थ्री बाय फाइव की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर, रैशनल नंबर फाइंड करना है, तो मैंने टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया. नेक्स्ट चाहिए थ्री से, ये देखो क्या हो रहा है, थ्री टू आर सिक्स, थ्री थ्री आर नाइन, थ्री फोर आर ट्वेल्व, नीचे भी यही चल रहा होगा, फाइव टू आर टेन, फाइव थ्री आर फिफ्टीन, फाइव फोर आर ट्वेंटी, नाउ थ्री फाइव आर फिफ्टीन, सिक्स आर एटीन,
थ्री सेवन आर 21, थ्री एट आर 24. मतलब इस रैशनल नंबर को पहले 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, फिर 3 से, 4 से, 5 से एंड सो ऑन. 5 4 आर 20, 5 5 आर 25, 5 6 आर 30, 5 7 आर 35, 5 8 आर 40. So these are 4 more rational numbers in the given pattern. Next बताएंगे धैर्य, सेकेंड पार्ट धैर्य बताएंगे. Yes, ma'am, but Jagannath, I'll find the rational number. Okay, third Virat, fourth Viraj. Excuse me, ma'am. Haan ji. Ma'am, can you please show the previous question once, all parts? Just a minute, Eka. I'm done. Okay. I'm done. Okay. चलिए second part धैर्य बताइए. मैम तीन निकल गए, मैम तीन और एक और निकाल रही हूँ मैं बस. Okay. Okay, ma'am, okay, the rational number is coming are minus 2 upon 8, minus 4 upon 16, minus 6 upon 24, and minus 8 upon 32. Okay, so minus 1, 2, 3, aise chal raha hai, 4, 5, 6, 7. Niche 4 ka table chal raha hai, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20. 4 6 are 24, 4 7 are 20. मतलब पहले जो नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसी नंबर को 3 से, 4 से, लाइक दिस वी गॉट 4 मोर रैशनल नंबर्स. विराट, नेक्स्ट वन इज योर्स. माइनस 1 बाय 6, माइनस 1 बाय 6, 2 अपॉन माइनस 12, 3 अपॉन minus 18, 4 upon minus 24. Yes, Virat. 5 upon minus 30. Okay. Yes. तो इसमें हम देखो पहला जो नंबर था उसपे माइनस की टर्म ऊपर थी, माइनस 1 बाय 6, लेकिन अगले में डिनोमिनेटर में नेगेटिव चला गया. इट मीन हमने माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 अपॉन माइनस 12. नेक्स्ट माइनस 3 से किया गिवन नंबर को, लाइक दिस, क्योंकि बाकी नेक्स्ट सारी टर्म में डिनोमिनेटर में माइनस कंटिन्यू हो रहा है. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नीचे चल रहा है मेरे पास 6 का टेबल. 6 इंटू माइनस 2, 6 2 आर, 6 3 आर, 6 4 आर, 6 5 आर, 6 6 आर, 6 7 आर एंड 6 8 आर. ओके, विराज ने अपने पार्ट का आंसर भेज दिया है. लेट मी राइट द स्टेटमेंट फर्स्ट, देन आई विल चेक द आंसर. माइनस 2 बाय 3, 2 अपॉन माइनस 3, 4 अपॉन माइनस 6, देन 6 अपॉन माइनस 9, राइट. ओके, यहाँ पे माइनस 2 बाय 3 ये तो टर्म सेकंड तो सेम ही रही टर्म, इट मींस हमने इसे माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया पहले, तो वी गॉट 2 अपॉन माइनस 3. देन गिवन नंबर को पहले मल्टीप्लाई किया हमने माइनस 1 से, फिर माइनस 2 से, माइनस 3 से, इसी मेथड से कंटिन्यू होगा. माइनस 4 से 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14. टू का टेबल चल रहा है, टू
फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व फोर्टीन, नीचे थ्री का, थ्री टू जार सिक्स, थ्री थ्री जार नाइन, थ्री फोर जार ट्वेल्व, थ्री फाइव जार फिफ्टीन, थ्री सिक्स जार एटीन, थ्री सेवन जार ट्वेंटी वन. सो इन दिस वे वी विल कॉन्टिन्यू. एंड लेट मी चेक विराज आंसर, क्या दिया है विराज ने आंसर. ओके विराज राइट आंसर. सो दीज आर द नेक्स्ट फोर रैशनल नंबर्स. क्लियर सेकंड क्वेश्चन, लेट अस मूव टू द थर्ड वन देन. किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, एनी वन ऑफ यू. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. नो मैम. ये फोर नंबर्स इक्विवेलेंट. ओके अगेन हमें इक्विवेलेंट नंबर फाइंड करने हैं. तो मैंने गिवन नंबर को पहले टू से मल्टीप्लाई कर दिया मान लो, फिर थ्री से कर दिया. इस तरह से मुझे चार इक्विवेलेंट नंबर्स, रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं. तो आई विल गॉट थ्री, देन मल्टीप्लाइड बाय फाइव, आई विल गॉट फोर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स. तो टू टू जार फोर, सेवन टू जार फोर्टीन. एक हम सेकेंड पार्ट करेंगे, टू थ्री जार सिक्स, सेवन थ्री जार ट्वेंटी वन, तभी करेंगे. किसी एक के लिए नहीं है, मैं जिससे मर्जी आंसर पूछ सकती हूँ. टू फाइव जार टेन, सेवन फाइव जार थर्टी फाइव. तो फोर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स आर माइनस फोर बाय फोर्टीन, माइनस सिक्स बाय ट्वेंटी वन, माइनस एट बाय ट्वेंटी एट, माइनस टेन बाय थर्टी फाइव. तो दीज आर फोर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स टू माइनस बाय सेवन. नेक्स्ट इज फाइव अपॉन माइनस थ्री. सेकेंड पार्ट इज फाइव अपॉन माइनस थ्री. इसके इक्विवेलेंट फोर रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं. एंड द थर्ड पार्ट इज फोर बाय नाइन. जल्दी से सॉल्व करेंगे एंड टेल मी द आंसर. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी मैम. डी पार्ट में तो मैम रैशनल नंबर है नहीं, तो मैम हम पहले उसको कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में. ऐसा कुछ कहा नहीं है. तो हमें इक्विवेलेंट रैशनल नंबर पूछा है, तो जरूरी नहीं है कन्वर्ट करना इसे. आप डायरेक्टली टू से मल्टीप्लाई कर दो, वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा माइनस, नो प्रॉब्लम. ओके मैम. नेक्स्ट इज फोर बाय नाइन. ओके एक हम आपने फाइंड किए. हाँ जी यस मैम. मैम द फोर रेशनल, मैम द फोर रेशनल नंबर्स आर 10 अपॉन माइनस 6, 15 अपॉन माइनस 5, ओके 20 अपॉन माइनस 12, ओके एंड 25 अपॉन नेगेटिव 15. यस राइट. नेक्स्ट विराट आप बताएंगे, कोई दो रैशनल नंबर बताइए जो आपने फाइंड किए विराट. ओके ओके. मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर, कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको किसी एक नंबर से करना है. फोर टू जार एट, नाइन टू जार एटीन, फोर थ्री जार ट्वेल्व, नाइन थ्री जार ट्वेंटी सेवन, फाइव फोर जार ट्वेंटी, नाइन फाइव जार फोर्टी फाइव. तो दीज आर फोर इक्विवेलेंट rational numbers to 4 by 9. Next one, okay, draw the number line and represent the following rational number. First one, Viraj, aap karenge. Second, Ekam. Third, Virat. Fourth, Dhairya. Aap log pehle apne number line scale ki help se notebook pe draw karo. Aap mujhe bataoge, zero ke left banaun, right banaun, kitne parts mein divide karo. First is Ekam, first is Virat, second is Ekam, third Virat, fourth Dhairya. So 3 by 4, Ekam, Virat minus 5 by 8, Virat minus 7 by 4, Dhairya 7 by 8. हाँ जी एकम, पहले आप बताइए आपका नंबर है थ्री बाय फोर. जीरो से लेफ्ट जाऊं या राइट जाऊं. मैम राइट. राइट ओके.
और कितनी डिविजन्स करूं मैं जीरो से वन के बीच में? मैम फोर। वाई फोर? कारण भी बताओ, अगर फोर करूं तो क्यों फोर करूं? मैम बिकॉज द फ्रैक्शन हैज फोर पार्ट्स। डिनोमिनेटर इज फोर, टोटल फोर पार्ट्स में डिवाइड हुआ है ना, तो जीरो, देन वन बाय फोर, टू बाय फोर, थ्री बाय फोर, फोर बाय फोर विल बी वन। आई वॉन्ट टू लोकेट द पॉइंट थ्री बाय फोर, सो दिस विल बी द पॉइंट थ्री बाय, दिस इज वन बाय फोर, दिस विल बी टू बाय। नेक्स्ट विराज, जीरो से लेफ्ट जाएंगे या राइट जाएंगे? विराज, विराज आपका माइक ठीक नहीं हुआ अभी भी। मैम यस मैम यस। हाँ जी, जीरो से लेफ्ट जाऊंगी या राइट? माइनस फाइव बाय एट। मैम लेफ्ट। लेफ्ट, कितनी डिविजन्स करेंगे जीरो से माइनस वन में? मैम कैन आई टेल? विराज व्हाट इज द डिनोमिनेटर हियर? एट। मैम एट। एट इज द डिनोमिनेटर, जितना डिनोमिनेटर है उतने इक्वल पार्ट्स होंगे। विद द हेल्प ऑफ स्केल आप 0.5 का गैप भी ले सकते हो, 1 का गैप भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन हर एक पॉइंट में गैप इक्वल होना चाहिए। माइनस वन बाय एट, माइनस टू बाय एट, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स, माइनस सेवन बाय एट, एंड दिस विल बी माइनस एट बाय एट, दैट विल बी वन। ठीक है, तो जीरो से माइनस वन में एट इक्वल डिविजन्स होंगी। दिस विल बी माइनस वन, दैट इज माइनस एट बाय एट। आई वॉन्ट टू लोकेट माइनस फाइव बाय एट, this is minus 1 by 8, minus 2 by 8, minus 3 by 8, minus 4, next will be, this will be minus 5 by 8. So, यही जो point हमें locate करना है, हम उसे locate करें. Clear? This will be minus 6 by 8, minus 7 by 8, minus 8 by 8 will be Virat. Minus 7 by 4. डिनोमिनेटर से बड़ा है तो माइनस वन से भी आगे मूव होगा। दिस इज इम्पोर्टेंट, अगेन divisions will be, number of divisions will be same. This will be minus 1 by 4. Minus 4 by 4 will be minus 1, right? Minus 7 upon 4, what? Minus 8. Yes, minus 2 will be minus 8 upon, right. Next, there you are, 0 to 7 by, 7 by 8, there you are. लेफ्ट जाएंगे या राइट जीरो से? मैम राइट। राइट, नंबर इज पॉजिटिव सो वी विल मूव टू द राइट। ओके, हाउ मेनी डिविजन्स बिटवीन जीरो एंड वन? मैम एट। एट डिविजन्स विल बी देयर बिटवीन जीरो एंड वन। वन बाय एट, टू बाय एट, थ्री बाय एट, फोर बाय एट, फाइव बाय एट, सिक्स बाय एट, सेवन बाय एट, देन एट बाय एट इज वन। यहाँ पे आपको डिविजन्स इक्वल नहीं दिख रही है, लेकिन आपको नंबर लाइन पे स्केल की हेल्प से डिविजन्स बनानी है। मैं तो ऐसे ही ड्रॉ कर रही हूँ पॉइंट्स, आपको स्केल की हेल्प से करनी है। डिस्टेंस शुड बी इक्वल बिटवीन द टू नंबर्स, गैप सेम होना चाहिए। आप 0.5 का गैप लेके बना सकते हो हर एक डिविजन। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। क्लियर नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करना है? यस मैम। चलिए लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। ओके, वन वन पॉइंट सारे बताएंगे। द पॉइंट पी क्यू आर एस टी यू ए एंड बी ऑन नंबर लाइन आर सच दैट टी आर इक्वल्स टू आर एस इज इक्वल्स टू एस यू एंड ए पी इज इक्वल्स टू पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू बी। मतलब ये सारे पार्ट्स इक्वल हैं। नेम द रैशनल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय पी क्यू आर एंड एस। ओके, फर्स्ट
फर्स्ट एपी हु विल टेल मी द वैल्यू ऑफ एपी पी पॉइंट क्या आएगा कैसे फाइंड करोगे किसी को कोई आइडिया एनी वन ऑफ यू हाउ विल यू फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉइंट पी बताइए मैम एज इन बिटवीन टू एंड थ्री मैम देयर आर थ्री इक्वल डिविजन्स विद टू डिविजन लाइन सो टोटल पार्ट्स आर थ्री वन टू एंड थ्री थ्री इक्वल पार्ट्स आर देयर राइट तो मीन्स डिनोमिनेटर में तो मेरे पास थ्री आएगा राइट जीरो से वन में भी दूंगी राइट वन टू थ्री इट मीन्स ये होगा थ्री बाय थ्री दैट विल बी वन और ये होगा सिक्स बाय थ्री तभी टू आएगा यस पी इज सेवन बाय थ्री क्यू इज एट बाय थ्री एंड बी इज नाइन बाय थ्री सो दैट इज थ्री तो पी मेरे पास होगा सेवन बाय थ्री क्यू होगा 8 by 3. Now, who will tell me R? Therefore, R की value क्या होगी? 3 divisions ही हो रही है. अगर ये minus 1 है, denominator में 3. Minus 1 कैसे आएगा? Minus 3 by 3. Now, therefore, what is the value of R? Minus 4 by 3. Yes, minus 4 by 3. फिर आज S की value क्या होगी? What will be the value of S? Ma'am, your voice is breaking. Can you say one? Your voice is not clear, Viraj. S ki value kya hogi, Viraj? Ma'am, minus 5 upon 3. Yes, minus 5 by 3. So next, it will be minus 6 by 3. That is 2. So, kitne number of 12 divisions hai between two consecutive numbers 1 and 2 ke beech mein 2 aur 3 ke beech mein jitne equal parts mein divide hua hai wo aayega denominator mein ab yahan 2 se aage tha to 1 kaise aayega 3 by 3 to 2 ho gaya 6 by 3 so usse agla number 7 by 3 8 by 3 9 upon 3 will be 3 similarly here 3 equal parts mein divide ho raha hai to denominator will be 3 इट मीन जीरो से माइनस वन तक भी तीन इक्वल डिविजन होंगी वन कैसे आएगा डिनोमिनेटर में तो थ्री तो थ्री और न्यूमिनेटर में आ गया माइनस थ्री तो माइनस वन माइनस फोर बाय थ्री माइनस फाइव बाय थ्री माइनस सिक्स बाय थ्री चलो नेक्स्ट पे मूव करें क्लियर है सभी को एकम इज इट क्लियर टू यू बच्चा एकम ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन Which of the following pair represents the same rational number? How will you check the rational numbers are same or not? Yes, whether they are equivalent or not. या तो आप इनको simple form में change कर दो, है ना? Simplest form में लिख दो 7 ones are 7, 7 threes are 21, 3 by 9, 3 ones are 3, 3 threes are. ये तो होगा ही नहीं मुझे directly भी दिख गया था. क्योंकि एक टर्म नेगेटिव की है एक पॉजिटिव है तो ये तो नहीं ही नेक्स्ट चेक करेंगे धैर्य सेकंड पार्ट एकम थर्ड विराज फोर्थ विराट फिफ्थ जल्दी से करेंगे करने तो सबको सभी पार्ट है लेकिन आंसर आप मुझे इसका दोगे यस एकम सेकंड पार्ट का आंसर देंगे एकम क्या ये इक्विवेलेंट है या नहीं धैर्य थर्ड पार्ट बताएंगे विराज फोर्थ पार्ट मैम यस किसने कहा यस मैम इन द फोर्थ पार्ट मैम दे आर ओके लेट मी चेक फॉर द फोर्थ पार्ट तो फोर थ्रीज आर 12 फोर फाइव्स आर 20 मैंने इसको फोर से डिवाइड कर दिया यू कैन शो इट कि डिवाइड बाय फोर किया हमने इफ यू वांट माइनस 12 बाय 20 डिवाइडेड बाय तो माइनस 3 बाय 5 माइनस 3 बाय 5 यस दे आर इक्वल तो दीज आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स एक काम हुआ नहीं सेकंड पार्ट मैम हां जी मैम हो गया बताइए मैम द आंसर इज फ्रैक्शन इज
negative 20 upon 25. Ma'am, and the final answer in the standard form is negative 4 upon 5. Okay, 4 se cancel hua, 4 4s are 16, 4 5s are 20. यहाँ पे 5 से 5 4s are 20, 5 5s are 25. अब बताओ क्या ये दोनों रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट हैं? यस, एक आ रहा है माइनस 4 बाय 5, एक आ रहा है 4 अपॉन माइनस 5. दीज आर इक्विवेलेंट, क्योंकि अगर मैं इसको माइनस 4 से डिवाइड कर देती, ठीक है, क्योंकि एक टर्म नेगेटिव है ना, तो मैंने इसको माइनस 5 से डिवाइड कर दिया, तो आंसर विल बी माइनस 4 बाय 5. सो यस, दे आर इक्विवेलेंट. धैर्य. यस मैम. नेक्स्ट पार्ट क्या बताएंगे मैम? दे आर इक्वल एज मैम. वी कैन माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, या आप कह सकते हो मैंने माइनस 1 से डिवाइड कर दिया. So 2/3 and 2/3 are equivalent. Viraj, -8/5 is already in simplest form. -24/15 is -8/5 plus we will divide it by -3, right? 3 8s are 24, 3 5s are 25. 8/-5 ho gaya. लेकिन यहाँ में सिंपलेस्ट फॉर्म में कहा नहीं हमने डायरेक्टली, इसलिए यहाँ पे माइनस 3 से डिवाइड कर दिया ताकि दोनों दिखने में आपको लग जाए कि सेम है. ओके, सिक्स्थ पार्ट में तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये तो इक्विवेलेंट होंगे ही नहीं, ठीक है. अगर आप करके भी देखोगे कैंसिल, यहाँ पे सेवेंथ पार्ट में भी, सॉरी सिक्स में मैंने यस लिख दिया, नो आएगा. सिक्स पार्ट इज नॉट इक्विवेलेंट, कैंसिल ही नहीं होंगे, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है. सिमिलरली फॉर द सेवेंथ पार्ट, माइनस 5 माइनस माइनस इसमें कैंसिल हो गया, प्लस के 5/9 एंड माइनस के 5/9, तो दीज आर नॉट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स. क्लियर? किसी को इस क्वेश्चन में डाउट, कोई कुछ पूछना चाहता है, किसी को कोई डाउट है? नो मैम. ओके, क्वेश्चन नंबर 7. रीराइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. मैंने बताया था जैसे हम फ्रैक्शंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते थे वैसे ही करेंगे, बट रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर शुड बी पॉजिटिव अगर मुझे उसे स्टैंडर्ड फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना, ठीक है. इसमें तो कोई भी हमारे पास ऐसा केस नहीं है जिसमें डिनोमिनेटर नेगेटिव हो. मान लो मैंने आपको एक पार्ट और दिया, 72/-6. अगर आपको इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो अगर मैं देखूं ये 12 से दोनों नंबर डिविजिबल हैं, तो मैंने 12 से डिवाइड किया, लेकिन क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है डिनोमिनेटर शुड बी पॉजिटिव, तो मैंने -12 से डिवाइड कर दिया. सो दिस विल बी द आंसर. अगर डिनोमिनेटर रैशनल नंबर में नेगेटिव है, मुझे उसे सिंपलेस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू लास्ट में पॉजिटिव आनी चाहिए, इस अकॉर्डिंगली मुझे डिवाइड करना है. Okay? अगर यहाँ माइनस है डिनोमिनेटर में, तो माइनस के टर्म से डिवाइड करूंगी ताकि डिनोमिनेटर पॉजिटिव आ जाए. चलिए फर्स्ट पार्ट कौन करेगा? धैर्य, फर्स्ट पार्ट करिए धैर्य. मैम फर्स्ट पार्ट इज कमिंग 4 upon 4, -4/3. ओके, HCF ऑफ दीस टर्म इज, क्या कॉमन है दोनों में? 2 के टेबल पे जा रहे हैं दोनों. मैम 2 4s are 8, 2 3s are 6. फर्दर दोनों एक टेबल पे नहीं जा रहे, तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म. नेक्स्ट एकम सेकंड पार्ट बताएंगे, विराज थर्ड पार्ट, विराट फोर्थ पार्ट.
Yes, Ekam. What will be the answer for the second part, Ekam? Ma'am, the answer will be 5 upon 9. Okay. So 5 is the XF, highest common factor between both the terms. So 5 5s are 25, 5 9s are 45. Further, kis state table se divide nahi ho rahe. So this is the simplest form. Good. Viraj? Yes, ma'am. Third part? Ma'am, minus 11 upon 18. Minus 11 upon? 4 say divisible? Ma'am, 4 1 8, are 4, 4 8s are? Yes. So minus 11 by 18. Good. Virat? 4s are 8, 5s are 10. So minus 4 by. So ye wala case jo maine karwaya ek extra part. So aapko dhyan mein rakhna hai. अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव में आता है और आपने इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म 6 अपॉन माइनस 5 लिखी तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स डिनोमिनेटर शुड बी पॉजिटिव. तो ये गलती नहीं करनी है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे मूव कर दें. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, कंपेयर करना है. एक आप फर्स्ट पार्ट बताइए. मैम 2/3 क्या है, बड़ा? ओके, यहाँ पे तो एक नेगेटिव टर्म है, एक पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली नेगेटिव वाली छोटी ही होगी. अच्छा, हमें और चेक करने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट विराट, आप बताएंगे सेकंड पार्ट. माइनस 4/5 एंड माइनस 5/7. 4/5 इज ग्रेटर. ओके, तो हम क्या करते हैं, 5 और 7 एक ही टेबल पे नहीं जाते, तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमिरेटर को. माइनस 4 को 7 से कर दिया, माइनस 5 को 5. माइनस 28, माइनस 25. माइनस की जो टर्म बड़ी होती है एक्चुअली में क्या होती है, छोटी. तो दिस वन इज 5/5, माइनस 5/7 इज ग्रेटर. ओके, थर्ड वन. धैर्य थर्ड बताएंगे बच्चा. ये मैंने आपको वन मार्क में सॉल्व करने का रूल बताया था, ये वाला, कि अगर वन मार्क में एमसीक्यू में आता है तो एलसीएम लेके सॉल्व करने नहीं बैठ जाना, ऐसे चेक कर लेना है. धैर्य थर्ड पार्ट बताएंगे. फोर्थ विराज, फिफ्थ विराज, सिक्स्थ एकम. मैम व्हाइल धैर्य इज डूइंग, कैन आई टेल माय पार्ट? हाँ जी धैर्य, पहले बताइए थर्ड पार्ट जल्दी से. मैम इन द थर्ड पार्ट मैम बोथ द रिएक्शन नंबर्स आर इक्वल. यस, आप इसे कैंसिल करके देखो. 2 7s आर 14, 2 8s आर 16. तो आपने अगर -2 से डिवाइड कर दिया तो -7/8 ही आ जाएगा. सो दीज आर इक्वल. विराज फोर्थ पार्ट. मैम -8/5 इज बिग. -8/5 इज ग्रेटर और लेस? मैम ग्रेटर. ओके, लेट मी चेक. ओके, तो 5 एंड 4 किसी एक टेबल पे नहीं जाते, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई. 8 4s आर 32, 7 5s आर 35. दोनों नेगेटिव के हैं, माइनस की जो नेगेटिव की छोटी होगी वो एक्चुअली में बड़ी होगी. गुड. नेक्स्ट विराट, फिफ्थ पार्ट. ग्रेटर. 1/-3 is greater. चलो मैंने इसे -1 से डिवाइड कर दिया तो दोनों का न्यूमिरेटर सेम हो गया, राइट? Now we will check the denominator. तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा एक्चुअली में वो टर्म छोटी, लेकिन यहाँ पे टर्म माइनस की पड़ी है न्यूमिरेटर में, तो रिवर्स हो जाएगा. मैंने कहा था अगर कंफ्यूजन हो गलत नहीं करना, आप इस मेथड से चेक कर लेना, गलती नहीं करनी है. -4, -3, माइनस की बड़ी क्या होती है, छोटी. तो -1/3, तो इसको मैं स्टार मार्क कर रही हूँ. ये आपने गलत नहीं करना, दोनों का न्यूमिरेटर सेम है लेकिन न्यूमिरेटर नेगेटिव पे है, ठीक है? तो आप कंफ्यूज मत होना, इसी वे से आप चेक करके आंसर देना.
अगर न्यूमरेटर सेम होता है और वो नेगेटिव होता है तो चेक योर आंसर बाय दिस मेथड, ऐसे ही नहीं करना। नेक्स्ट किसकी टर्न थी? एकम। एकम सिक्स पार्ट बताएंगे। एकम मैम, यस मैम, द आंसर विल बी, आंसर विल बी मैम 5/-11 इज बिगर। नो बच्चा, बोथ आर सेम टर्म्स। अगर मैं फर्स्ट टर्म को माइनस वन से डिवाइड कर दूंगी, एक ही माइनस है ना, मैं इसको ऊपर लिख दूं, वन एंड द सेम थिंग, तो दीज आर इक्वल टर्म्स आर सेम एंड दोनों में एक ही नेगेटिव है, दीज आर इक्वल टर्म्स। नेक्स्ट में जीरो एंड माइनस, माइनस की टर्म जीरो से छोटी ही होगी, जीरो इज ग्रेटर देन माइनस 7/6। क्लियर टू एवरीवन? किसी को कुछ पूछना है इस केस में, इस टाइप के क्वेश्चंस में? नो मैम। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। व्हिच वन इज ग्रेटर, किसकी टर्न है? अब धैर्य, 2/3, 5/2, व्हिच इज ग्रेटर? यस धैर्य, मैम 5/2 इज बिगर। ओके, दोनों सेम नंबर पे नहीं जाते डिनोमिनेटर, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई, 2/3 को 2 से कर दिया, चाहे 1 मार्क के क्वेश्चन का जैसे मैंने मेथड बताया था, सिर्फ न्यूमिरेटर से भी चेक कर सकते हो। तो 4/6, 15/6, 4/6 इज लेस, तो हमें पूछा है विच इज ग्रेटर, तो हम लास्ट में आंसर लिखेंगे 5/2 इज ग्रेटर देन 2/3। ग्रेटर में आंसर पूछा है तो हम यहाँ पे लेस का साइन लगा के नहीं बताएंगे, 5/2 इज ग्रेटर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, 6 and 3 में कॉमन है, 3 के टेबल पे जाता है, तो वी विल हैव टू टेक द एलसीएम। एलसीएम विल बी 6, तो ये तो 6 ही है, -4/3 का डिनोमिनेटर 6 बनाएंगे। ओके विराज, नाउ विच टर्म इज ग्रेटर, -5/6, -8/6? यस विराज मैम, -5/6 इज ग्रेटर, माइनस की जो छोटी होगी वो एक्चुअली में बड़ी होगी, तो लास्ट में लिखेंगे -5/6 इज ग्रेटर। नेक्स्ट विराट, -3/4 इज ग्रेटर, दोनों एक ही टेबल पे डिनोमिनेटर नहीं जाते, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 3s are 9, -9/12 इसको हमने कर दिया 4 से, 4 2s are 8, 4 3s are 12, माइनस की जो बड़ी होगी वो एक्चुअली में छोटी होगी। विराट यू वर सेइंग -3/4 इज ग्रेटर, मेरा तो आ रहा है 2/-3 इज ग्रेटर। यस विराट, क्या किया आपने, कहां गलती की? -3 से मल्टीप्लाई नहीं हो, अब -3 से कर लो, वो भी क्या फर्क पड़ेगा, -3 से इसको क्यों करोगे, ये एक माइनस होता है ना जब, तो उसको ऊपर या नीचे लिखे फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे डिनोमिनेटर सेम रखना है, आप इसको -4 से कर लो, पॉजिटिव डिनोमिनेटर हो गया। एकम फोर्थ पार्ट, -1/4, 1/4, एकम यस मैम, हाँ जी एकम बताइए, -1/4 एंड 1/4 विच वन इज ग्रेटर, एकम -1/4 एंड 1/4 में से? मैम 1/4 बिकॉज इट इज पॉजिटिव। यस, वन नंबर इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव, तो ऑब्वियसली जो पॉजिटिव नंबर होगा दैट विल बी ग्रेटर। ओके विराट, इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बताएंगे क्या आएगा, विराज नेक्स्ट बताएंगे। यस विराट, -3/7, -21/7, यस बी केयरफुल व्हाइल डूइंग। विराज नेक्स्ट को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, व्हाट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करो, मिक्स्ड फ्रैक्शन को बच्चा,
माइनस थ्री फोर बाय फाइव इम्प्रॉपर में क्या लिखूंगी इसे? मैं माइनस 19 अपॉन 5। यस, नाउ डिनोमिनेटर सेम करने होंगे, सो वी विल हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको करेंगे 5 से और उसको करेंगे 7 से। 23 इंटू 5 धैर्य क्या आया? एक आम 19 इंटू 7 क्या आया मैम? व्हाट? 19 को 7 से मल्टीप्लाई करके बताओ एकम क्या आया। धैर्य आप 23 को 5 से करो। 133 मैम। 133। यस, माइनस 133। धैर्य माइनस 23 को 5 से किया माइनस 150। अब माइनस जो छोटी टर्म होगी वो बड़ी होगी, तो डेट इज माइनस 3 2/7 इज ग्रेटर देन माइनस 3 4/5। क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट इसी पार्ट में? नो मैम। लेट अस मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग में पहले क्या लिखते हैं, छोटा या बड़ा? मैम छोटा। छोटा। यस विराज, फर्स्ट पार्ट के आंसर बताएंगे विराज, असेंडिंग ऑर्डर में बताइए। मैम यस। मैम मैंने आपको बच्चा म्यूट नहीं किया, लेट मी चेक। मैम यस। मैम माइनस 3/5 माइनस 2/5 देन माइनस 1/5। यस, माइनस की बड़ी टर्म एक्चुअली में छोटी होती है, डिनोमिनेटर सब में सेम है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो माइनस 3/5 इज लेस देन माइनस 2/5 लेस देन माइनस 1/5। दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर। ओके, नेक्स्ट एकम। यस मैम। मैम द आंसर विल बी धैर्य आई एम नॉट मैम कैन यू हियर मी नाउ? हाँ जी, यस धैर्य आई कैन हियर यू। हाँ जी एक बताइए। यस मैम। हाँ जी एकम बताइए योर आंसर। सबसे पहले देखो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, आई विल हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ 3, 9 एंड 3। सो एलसीएम विल बी 9, राइट? 3 ones are 3, 3 threes are 9, 3 ones are 3, 3 ones are 3। तो एलसीएम इज 9, तो पहले मुझे सभी टर्म का एलसीएम सेम बनाना होगा, सॉरी डिनोमिनेटर सेम बनाना होगा। तो इसे 3 से किया माइनस 3/9, माइनस 2/9 तो है ही। नेक्स्ट इज माइनस 4/3, उसका भी डिनोमिनेटर सेम करना होगा, 3 3s are 9। यस एकम, नाउ टेल मी विच टर्म इज द स्मॉलेस्ट? मैम द स्मॉलेस्ट मैम द फर्स्ट वन विल बी नेगेटिव 12। माइनस की बड़ी टर्म एक्चुअली में छोटी होती है, लेकिन मुझे आंसर लिखना है फाइनल, तो जो गिवन टर्म्स है उसी में। सो फाइनल आंसर विल बी माइनस 12/9 आया था माइनस 4/3 के कॉरेस्पॉन्डिंग, देन माइनस 1/3, देन माइनस 2/9। So this will be the final answer in ascending order. Clear? Next, धैर्य और विराट बचे हैं, दोनों आधा आधा करेंगे, LCM बताएंगे। Okay, let me write the statement of the third part. Ma'am, but इसमें हम denominators are same. माइनस 3/7
terms are minus 3 by 7, minus 3, minus 3. Okay. 7, 2 and 4. हाँ जी, विराट एंड धैर्य बताइए जरा अपनी अपनी राय, क्या करें हम इसमें? मैंने कहा न्यूमरेटर सेम है और वो नेगेटिव में है, तो आप गलत मत करना, चाहे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। अगर मुझे बिना सॉल्व किए हुए आंसर देना हो तो बताओ सबसे छोटी टर्म कौन सी बिना सॉल्व। माइनस थ्री अपॉन टू, देन मैम माइनस थ्री अपॉन फोर, एंड मैम देन लास्ट में माइनस थ्री अपॉन सेवन। ओके जस्ट अ मिनट, तो मैंने कहा था जब नेगेटिव वाला न्यूमिरेटर हो चाहे वो सेम है तब भी आप गलती मत करना, और काफी बच्चे इस केस में गलती करेंगे, उससे बेस्ट है कि आप इसे सॉल्व कर लो बाय मेकिंग द डिनोमिनेटर सेम। नाउ टेक द एलसीएम ऑफ 7, 2 एंड 4। व्हाट इज द एलसीएम, किसी ने फाइंड किया अभी तक? यस, 28 इज द एलसीएम। 2 are 4, 4 7s are 28. तो सभी टर्म्स का हम डिनोमिनेटर सेम बना देते हैं। 4, 3 4s are 12, 7 4s are 28. Minus 3 by 2, 14 से किया। Minus 42 by 28. तो आप ये अपना नियम ही बना लो कि अगर नेगेटिव का न्यूमिरेटर सेम आता है तो मुझे ऐसे ही आंसर नहीं देना, सॉल्व करके देना है। माइनस की जो टर्म बड़ी एक्चुअली में छोटी, तो माइनस 42, माइनस 21, माइनस 12, एंड व्हाट आर द ओरिजिनल रैशनल नंबर्स फॉर दीज टर्म्स? माइनस 3 बाय 2, माइनस 3 बाय 4, माइनस 3 बाय 7। क्लियर टू एवरीवन? Yes or no? किसी को कोई डाउट है इसमें? एनी डाउट इस पूरी एक्सरसाइज में? किसी को कुछ समझ में है? दोबारा से कोई क्वेश्चन?